अपन लोग सत्संग में बैठते हैं बैठते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगे, कभी कहां ये सब हो पाएगा, इतना सरल नहीं है। गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्या, हम सब तुम्हारी दासी हैं, करवामि तवोदितम, आप जो कहेंगे हम सब करेंगी, लेकिन देहि वा सांसि धर्मज्ञ, तुम तो धर्म के मर्म को जानते हो गोविंद, हम लोगों के जितने वस्त्र हैं तुम दे दो, नहीं तो मैं जाकर राजा से शिकायत कर दूंगी, हाँ बाबा से कह दूंगी कि ये बहुत ढीठ हो गए हैं, ये हमारे कपड़े जो है सब उठा लिए, हमारे वस्त्र दे दो। ठाकुर बोले कुछ भी करो, लेकिन जब तक बाहर निकलोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज ऐसा लगता है जैसे ठाकुर ने निर्णय कर लिया है कि कृपा करना है तो करना ही है, और क्या, बड़ी देर हो जाती है और तब इन सब का भाव जागृत होता है। इतना सरल नहीं है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर साधना में लगे रहोगे एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। मंजिल की जस्तजो में मेरा कारवां तो है, लगे रहोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे। माना माना कि सब जहां को गुलजार न कर सके, पर कुछ खार तो कम हुए, गुजरे जिधर से हम, अरे कुछ कांटे तो कम हो जाएंगे, कुछ करते तो रहो, कुछ ना कुछ तो सफलता मिलेगी। आज ये सभी बाहर निकली हैं और अब ये सब, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अब आवरण नहीं है जड़ता का, इसका अर्थ ही मत लगा लेना कि वो नग्नावस्था में खड़ी है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नग्नावस्था में खड़ी है। इनके ऊपर जड़ता का जो आवरण था, जिस आवरण के कारण हम हजारों लाखों बार जन्म लिए, याद है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लिपटानी, माया लिपट जाती है,